हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि गाइस आज जो मैं लास्ट ऑर्डर जो मंगा रहा हूँ भैया से, आज रिव्यू लेने वाला हूँ। तो भैया आ रहे हैं, जो डिलीवरी देने वाले बॉय वो भैया आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलाता भी हूँ और भैया का इंटरव्यू करवाता हूँ। उससे पहले ये कह दूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फटाक चला के सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड जुड़े, वीडियो को स्किप करके ना देखें आप लोग, ठीक है। आज जो ऑर्डर का लास्ट है, आज है छठा ऑर्डर। मैंने 5 कुर्तियाँ मंगाई हैं, जिसमें से फ्रेंड लोग जो मेरे को बोला था बुक करने के लिए, बुक करके मंगाया, और एक स्लीपर है आज। तो आज लास्ट ऑर्डर है और भाई से मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। मैंने लिए भैया जो ऑर्डर लेके आ गए हैं ई कार्ट से। वैसे तो मेरा जो डिलीवरी है, हाँ आप भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या कर रहा, बार बार रोज़ कॉल करता है। तो फाइनली आज कोई बात नहीं भैया, आज वो मेरा लास्ट ऑर्डर है। और अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, आप ऑर्डर करो यार। तो भैया जो है फाइनली मेरा ऑर्डर लेके आ चुके हैं और भैया से, हाँ जूता नहीं चप्पल और कुर्ती है। तो भैया को कॉल किया था भैया, थैंक यू सो मच भैया कि आप जो है कॉल करने, एक कॉल पे ही आप बोल देते हैं कि चलो भैया आ रहे हैं हम। अच्छा लगता है यार, मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहा था, ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया था। पता है हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हम YouTube पे जैसे वीडियो भी डालते हैं, ठीक है। हाँ तो भैया को कोई आपत्ति नहीं है, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो है भैया को, भैया जो पहली बार जो मेरा ऑर्डर लेके आए थे, फर्स्ट ऑर्डर जो था मेरा, तो मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि होता है ना ऐसा कि बंदे जो आते हैं ऑर्डर लेके, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं ना भाई, वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। मगर भैया जो है उस दिन जो मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो उन्होंने लेकर आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं जो ऑफिस में था तो भैया को मैंने बोला कि भैया आप आ जाओ ऑफिस के पास, तो फिर भैया वहाँ आए लेके मेरा ऑर्डर, जबकि मेरा जो एड्रेस था मेरे घर के पास का ही था। बट ऐसा जो भैया के अंदर जो इंसानियत कहते ना, कि हो सकता है कि भाई किसी का भी ऑर्डर हो, कुछ कोई चीज़ भी हो सकता है कि ये ऑर्डर से बंदा जो है स्माइल, बंदे के चेहरे पे स्माइल आ जाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भैया मेहनत भी करते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार कहाँ के? बिहार का प्रेम। अच्छा, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ मैं दरभंगा ज़िला से हूँ। अब भैया जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अच्छा भी लगता है कि हार्ड वर्क करना भी चाहिए इंसान को। तो सुबह कितने बजे से आप काम स्टार्ट कर देते हैं? 7:30 बजे से। तो यहाँ आप सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं आप यहाँ पे? जैसे कि किसी के साथ रहते हैं या फिर यहाँ? अच्छा अच्छा, यहाँ शुक्रपुर में रहते हैं क्या? अच्छा आजादपुर में रहते हैं। और भैया को मैं आज से नहीं, मैं पहले से देखता हूँ भैया को, काफ़ी बार देखा हूँ मैं। तो भैया जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और अभी धूप का टाइम है, देख रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह से काम करते हैं तो प्लीज़ लोग कभी जाए घर पर, आपके इतनी धूप में जाते हैं तो प्लीज़ पानी वानी पूछा करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है भाई। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो फिर इंसान किस चीज़ का हो, किसको कहेंगे फिर? तो थैंक यू सो मच भैया, बाकी वो कर दीजिए, नाम बता दीजिए यार। मेरा नाम मेरा YouTube चैनल है, मैं ऐसे ब्लॉगिंग शूट करता हूँ। तो मैं, पता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं काफ़ी टाइम पहले में जो फर्स्ट जो ऑर्डर दिया था ना, मैं कभी तभी से सोच रहा था कि यार मैं वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ना कसम से बहुत ज़्यादा ये था कि भाई आएंगे ना तो भाई का ना वीडियो शूट करना है, मुझे अपलोड भी करना है, क्योंकि मैं रोज़ प्रतिदिन में अपलोड करता हूँ वीडियो। हमारे कई सारे जो है बंदे जो डिलीवरी के साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, कई जने हमारे साथ। अच्छा, तो 7-8 लड़के हैं जो यूट्यूब पे अलग अलग कुछ कहना चाहेंगे वैसे? बस इसी का मतलब थैंक यू और सपोर्ट करें। हाँ तो भैया जो हार्डवर्क करते हैं, प्लीज़ आप लोग भी हार्डवर्क करें और करना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मतलब भाई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम कुछ बोलो यार, आप तो बिल्कुल ही, ऑर्डर आया आपका, ये दूसरा ऑर्डर है आपका है ना? एक पैकेट जो है वो इसमें कुर्ता पैजामा होगा और इसमें जो है चप्पल है, ये चप्पल तो किसी और का है और ये कुर्ती जो है मेरे भाई का है, क्योंकि मैंने जो पहला ऑर्डर जो किया था, मैं दूसरा ऑर्डर है इनका, भाई का। थैंक यू सो मच ब्रो। तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, देखते हैं कैसा है, क्या है, नहीं है करूँगा ना भैया, आप ही आना लेके, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच। तो गाइस आलम भाई जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इस पैकेट का, अब देखते हैं। वैसे तो
बहुत सारी कुकीज और अनबॉक्सिंग तो ऐसा ही हो गया, बट जो आज कुछ डिफरेंट जैसा जो अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो गाइस ये जो है कुर्ता, पहले मैं दोनों का ऑर्डर था बट ये सिर्फ कुर्ता आया है, कुर्ता आया। कुर्ता पैजामा दोनों का था बट कुर्ता आया है। इसमें लिखा हुआ है कुछ चीज़। अब अनबॉक्सिंग हो रहा है। ये है स्लीपर, देखते इसमें क्या है, कैसा माल है, कैसा है, देख खोलो इसको खोलो। ये है इस टाइप का बच्चा, जैसा ऑर्डर किया था सेम ही है। सेम आया है, 600 रुपये का। 600 रुपये, हाँ ये सेम आया है। बट एक ऑर्डर जो है हमारा जो है वो मिसमैच आया है, इसके अंदर जो पैजामा आना था वो आया नहीं। बाकी अभी देखते हैं इनको, हम हो सकता है जो रिफंड करें, है ना। गाइस ऑर्डर जो है वो ठीक आया, मिसमैच नहीं आया। एक्चुअली क्या था ना, ऑर्डर करने के समय मैंने देखा नहीं था जो कुर्ता के साथ पैजामा नहीं है, बट वो सिर्फ कुर्ता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो है कुर्ता के साथ मिसमैच, कुर्ता के साथ पैजामा नहीं आया, बट ऐसा नहीं है, पैजामा जो है नहीं था उसके साथ। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको मिलता हूँ एक नए फिर वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।